तो दोस्तों अभी फिर से चल पड़े हैं यहाँ से आगे को। तो आ चुका अपना खाना एकदम टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म। हाँ खा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 9 बजे के करीब से। तो अभी जल्दी जल्दी में मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि आज की क्लास जो है वो 9 बजे है। A few moments later. तो दोस्तों ढालपुर ग्राउंड में चला है बहुत ही शानदार मैच और हम सभी बैठे हुए मैच देखने। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलाता हूँ। तो ये रहे अपने अर्शित भाई, फिर कैसे हो भाई जी आप? और ये अपने शिवम भाई जी अपने मनाली से, और ये अपने राजपाल भाई लग वैली से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सारे कॉलेज क्लास लगाने वापस। A few moments later. तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि तो कॉलेज से क्लास हो चुकी है अभी ख़त्म। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुल्लू से बिलासपुर। तो अभी सनी भैया आ रहे घर से, तो अभी मैं उनके साथ जाऊँगा। तो अभी चल रहा हूँ मैं पैदल पैदल एकदम इस वाले रास्ते से। तो ये रास्ता पहुँचता है कुल्लू बस स्टैंड के पास, तो उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा राइट साइड वाले रोड पर, तो वहीं पर रुके वो। तो उन्होंने कहा कि परे सीधे ही 4 लाइन से जाएंगे, तो NH से थोड़ा सा जल्दी होगा क्योंकि अभी 1:30 तो बज चुके हैं, तो शाम को वापस भी आना है बिलासपुर से। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे भी नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो अभी मैं लेट हो चुका हूँ, तो जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तगड़ा वाला जाम लग रहा है यहाँ पर, सड़क का भी काम चला हुआ है। तो दोस्तों अभी का कुछ सीन ऐसा है कि हम लोग रुक चुके हैं नेटवर्क में, तो अभी हम यहाँ पर खा रहे हैं बर्गर। खाओ खाओ। कैसा? नहीं 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 भाई, नॉर्मल ही बनाना मेरे लिए। नहीं नहीं खाओ आप। नहीं 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 मेरे वहाँ है। ए आ गया देखो, तो आ चुका है अपना बर्गर। तो दोस्तों सुबह मेरी 10 बजे क्लास थी कॉलेज में, और उसके बाद आगे थे भैया वगैरह, तो खाना खाने का टाइम नहीं लगा, तो अभी ये खा रहा हूँ। आगे जैसे रुकेंगे हम, तो यहाँ पर हमें कोई अच्छा सा ढाबा नहीं मिल रहा जहाँ पर हम खाना खा सके, तो आगे एक जान पहचान का ढाबा, वहाँ पर जाकर खाना खाएंगे। तो गाइस व्यू चेक आउट करो एक बार, बहुत ही ऑसम व्यू। तो अभी फिलहाल रुक चुके हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए अभी चलते हैं। तो आ चुका अपना खाना एकदम टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म। खा खा। तो दोस्तों अभी फिर से चल पड़े हैं यहाँ से आगे को, तो अभी भी लगभग 1.5 घंटे का रास्ता बच चुका है यहाँ से आगे। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से अब। यहाँ देखिए दोस्तों इतना लंबा लंबा घास रोड में ही लग चुका है, यह लिंक रोड, इतने लंबे लंबे घास में चले हुए हम। पहुंच गए। तो दोस्तों रात को यहाँ तो पहुँच गए थे, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से जस्ट ही। तो देखो भाई यहाँ से लाई थी रात को गाड़ी, एकदम पूरा ऑफ रोड है ये, और आगे तो इतना लंबा लंबा घास है भाई, इन रोड से गाड़ी चलती नहीं है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ देखिए
तो अभी अपने को मिल चुकी है रास्ते में दुकान, तो भाई गया है सामान लेने। तो अब यहाँ से लगभग अराउंड रह गया है 200 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे। जूस ही ले आओ, फ्रूटी। हाँ, और यहाँ से अभी अराउंड 2-2.5 घंटे लग जाएंगे और फिर पहुँच जाएंगे हम। तो तगड़ी वाली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बाय बाय। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कुल्लू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों इस वक्त ना कुल्लू में सबसे खतरनाक जो बिल्डिंग है वो है बस स्टैंड की, वो दिख रही होगी आपको सामने। और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है और प्यारी भी लग रही है यहाँ से, देखो बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों कुल्लू में जितने भी ग्राउंड है 4:30 बजे के बाद आप लोगों को तो सभी बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ खेलने, तो मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ अभी। यहाँ देखिए वहाँ पर चला हुआ वॉलीबॉल का तगड़ा वाला मैच। तो देखिए दोस्तों दशहरे की तैयारी अभी लगभग हो गई है स्टार्ट। तो यार ढालपुर ग्राउंड का भी औसम नज़ारा रहता है। तो दोस्तों इस वाले ग्राउंड में आपको मिलेंगे फुटबॉल, हैंडबॉल और रनिंग वाले प्लेयर, जो एथलीट होते हैं वही लोग। और इससे नीचे खेलते हैं बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। दोस्तों कुछ इस तरह से रहती है कॉलेज लाइफ। सुबह कॉलेज जाओ, उठकर फिर शाम को खेलने जाओ, फिर जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करी तो की नहीं तो थोड़ा बहुत हो जाता है इंजॉय, फिर खाना बनाओ, खुद ही सारा काम करना पड़ता है मतलब। तो खाना बनाने से मुझे याद आया कि अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो अभी मुझे रात का खाना बनाना है। तो जी सबसे पहले इन खिड़कियों को बंद करते हैं क्योंकि यहाँ से एकदम खुला नज़ारा दिखता है बाहर को। तो दोस्तों अभी मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा कि अभी रात के खाने में क्या बनाया जाए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि खाने में पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनाएंगे बढ़िया वाली। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ मैं दुकान और फिर लेकर आता हूँ। देखिए पूरे में मैंने सामान रखा और ये रहा अपना किट, और इसमें से पैसे निकालता हूँ चलते फिर। तो अभी जा रहा हूँ मैं दुकान को और यहाँ पर देखिए एकदम खाली खाली रोड, 2-3 ही लोग चल रहा है। मुझे डर लग रही है क्योंकि कुत्ते भी भौंक रहे हैं अभी। तो अपने जो रूममेट है वो गए हुए हैं वॉकिंग पे अभी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा काम करते करते मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लेता हूँ। तो अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट डे की बात करूँ, तो फर्स्ट डे पे मैं थोड़ा सा कॉलेज जाकर कंफ्यूज हो गया बिकॉज कि मेरे जो स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने एक दो ही आया और उन्होंने भी अपनी स्ट्रीम वगैरह चेंज कर दी है ना, तो इस वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं था। और फिर एक दूसरे से साथ मेरी दोस्ती भी नहीं थी उतनी, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं फर्स्ट डे पर। और फर्स्ट डे में तो मतलब इतना ही समझ आया कि बस क्लास कहाँ लगनी है, कौन से टीचर मुझे पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा। पर ठीक था कॉलेज, पर अच्छा लगा मुझे कॉलेज में आकर। तो फर्स्ट डे था मेरा मंगलवार का, ट्यूसडे का, और ट्यूसडे पे मेरी सिर्फ 3 क्लासें लगती है। तो मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया यार, स्कूल में तो हम 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ते थे और यहाँ पर इतनी जल्दी छुट्टी। मतलब पहले तो मुझे लगा कि हमें फिर से आना पड़ेगा थोड़ी देर में, लंच टाइम हुआ, पर बाद में पता लगा कि सिर्फ क्लास लगाते लंच टाइम अपनी मर्जी से हो जाता है। तो बाकी यार रियलिटी बात बताऊं तो मज़ा सिर्फ स्कूल लाइफ में ही है, और कॉलेज लाइफ में तो एंजॉय जिसने करना वो कर सकता है, बट उतना मज़ा नहीं आता जितना स्कूल लाइफ में एंजॉय कर सकते हो आप।
बाकी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे और कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी होती है कि अब आपको पता है सब कुछ खुद ही करना पड़ता है यहाँ पर, और किस बारे में ब्लॉग ना आए ये भी सोचना पड़ता है। जो मर्जी तो डाल नहीं सकते चैनल में, तो दो तीन बार मैंने लाइव आकर थोड़ा बहुत बातचीत की थी आप लोगों के साथ, और बाकी एक दो ब्लॉग्स डाले थे मैंने यहाँ कुल्लू के, और डालता रहूँगा मैं जैसे जैसे टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की जाए, और इस बहाने थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको अपने फर्स्ट डे के बारे में बता दूँ, तो अभी के दिनों की बात करूँ तो बहुत अच्छा और बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं मेरे यहाँ पर। तो जब मैं घर से आ रहा था दोस्तों, घर वालों ने कहा कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेना वहाँ पर। तो मैंने बोला क्यों नहीं, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। तो यहाँ देखिए जी, मैं अपने साथ अधियोगी महादेव की मूर्ति ले आया साथ में ही। तो यहाँ पर मैंने इनको किचन में ही रखा भी, तो किचन से साफ़ सुथरी जगह और हो भी नहीं सकती। तो हम हिमाचल के लोग, देवभूमि में रहने वाले, तो हमें रियलिटी बात बताओ तो दोस्तों अपने से ज़्यादा अपने देवी देवताओं पर भरोसा होता है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका हूँ क्योंकि मेरे आंखों में अभी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्यास काट रहा हूँ।